कमरे में बंद हैं कुछ प्राइम सस्पेक्ट, हमारी नजर है उन पर। तो गौर से देखिए और सुलझाइए हमारे साथ इन मिस्ट्रीज को। स्पाइकम ठीक से लगाया है ना? क्रिकेट टीम का मामला है? नहीं सर, सब चेक किया मैंने, वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। ये केस अलग भी और हाई प्रोफाइल में, ज्यादा देर इन्हें होटल रूम में नजर बंद नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट फास्ट। सब कुछ तो डिस्कस कर लिया है मैम, अब बचा क्या डिस्कस करने के लिए? और ऊपर से ये पुलिस का प्रेशर अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय हमें यहां पर कैद करके रखा है, और ऊपर से वो पागल इंस्पेक्टर हमसे कह रहा है कि या तो हम अपनी बेगुनाही साबित कर लें या तो उस किलर को पकड़वाएं, तब तक जाने नहीं देगा। भैंचो दी, पुलिस का काम भी हम ही कर लें। बाहर मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं मैम कि कैप्टन विक्की राय 2 दिन से कहां गायब है और मैनेजर राजीव शर्मा कहां है। अब उन्हें कौन बताए कि शर्मा जी अब मर चुके हैं? विकी प्लीज स्टॉप इट। इंस्पेक्टर विक्रांत ने डॉक्टर से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दी है। पुलिस के हिसाब से तो राजीव सर के मुंह में खून था और दीवार पर उल्टी। उस दिन सुबह 4 बजे मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुई और फिर गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी, उसी वक्त इंस्पेक्टर का कॉल आया। नंबर सुने तो I couldn't believe it. राजीव सर ने तो वैसे ही डायबिटीज थी और टेंशन की वजह से तो सर की डायबिटीज भी बढ़ गई, और विक्की भाई आपकी वजह से ना हम लोग अपनी लाइफ का सबसे क्रूशियल मैच हार गए और अब 0 पर आउट हो गए यार। अरे हिट विकेट वो भी इतनी चव्वल सी बॉल पे। सब कह रहे हैं आपने फिक्सिंग कराई हुई है। ओए सुखी, तू कुछ भी मत बोल, मुझे तो लगता है ये राजीव सर ने खुदकुशी की है, और वैसे भी ये रिपोर्ट में उनके हाथ पर वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड खरोचों के निशान भी तो थे। लेकिन रिपोर्ट में बैकबोन में इंजरी भी तो है। पुलिस के हिसाब से सर के पास मिले फोन पर देर रात तक की ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, सर को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, टेंशन में तो जरूर थे वो। इंसोम्निया ये सब कहने से अब क्या फायदा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है एस्फिक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, द हायोड अ हॉर्स शू शेप कोट इन द नेक वाज ब्रोकन एज अ रिजल्ट ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, और फिर राजीव की पीठ पर चोट भी तो लगी थी, शायद हाथापाई में लग गई हो। बॉडी को पलटने दे। सर ये विकी कुछ तो छुपा रहा है। इसका मतलब कमरे में कोई तो आया था।
पार्थ के चेहरे पर ये स्क्रैच का मार्क, हो सकता है कि इसने कुछ भी मत बोल विक्की, सब जानता हूं तेरी और राजीव सर की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो संडे को तो झंडू जैसी टीम से हारने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, बैंचो साला फिक्सर कहीं का। अबे क्या फिक्सर फिक्सर लगा रखा है, हो सकता है कि कोई पागल फैन हो जो टीम की परफॉर्मेंस यार राजीव से गुस्सा होगा। एंड आई एम सॉरी मिकी, बट राजीव एक घटिया कोच थे। हाउ डेयर यू। राजीव सर ने उल्टी की थी ना, कहीं खाने में कुछ। रूम में थाई फूड था लेकिन रूम सर्विस से कुछ ऑर्डर नहीं किया गया था। वो सर को थाई फूड पसंद था ना, इसलिए मैं लेके गया था। और तू चेयर हिम अप करीब 11 बजे के आसपास। सुखी भाई सुखी भाई सुखी भाई, हिलाकर थाई कर दिया भाई भाई। ओ भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लो, उसमें कोई भी जहर नहीं था। पर ऐसे जहर भी तो होते हैं जो पोस्टमार्टम और खाने में अपना निशान नहीं छोड़ते, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। अच्छा तुम्हें पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है पार्थ। हुँ? वो मैं बी फार्मा का स्टूडेंट था ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मेघना मैम मेरे को तो शक इस पार्थ पे भी है, क्योंकि ये और विक्की थे जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेल रहे थे, और इन दोनों में से कोई होना चाहिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट, फिर भी राजीव सर ने पार्थ को निकाल दिया, पता नहीं क्यों। Come on, I don't understand. अगर पार्थ इतना अच्छा खिलाड़ी था तो फिर राजीव ने उसे टीम से आउट क्यों किया? हो सकता है विक्की ने प्रेशर बनाया हो, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर तो यही था ना टूर्नामेंट में। नहीं विक्की ने ऐसा कुछ नहीं किया, टीम की फिजियो होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राजीव सर को कुछ चीजों के बारे में अवेयर करना। पार्थ नैंड्रोलॉन कंज्यूम कर रहा था, ये एक बैंड सब्सटेंस है टूर्नामेंट रूल्स के हिसाब से। राजीव सर जैसे भी थे ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, उन्होंने पार्थ को ड्रॉप कर दिया था और वो पार्थ की कंप्लेन भी करने वाले थे। पार्थ का करियर तो खत्म था। हाँ इसके कारण हमारे आर्गुमेंट्स भी हुए, पर मैं उनको मार थोड़ी दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है जेल जाने का। आप एक काम करो, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो, मैं उस रात वहां गया ही नहीं था। हाँ आपने सीसीटीवी फुटेज चेक करा? हाँ मैंने और पुलिस ने, वी बीन ओवर इट। राजीव शाम के करीब 7:30 बजे अपने रूम 374 में गए, आधे घंटे बाद रूम सर्विस को कॉल किया साफ सफाई करवाने के लिए, थोड़ी देर बाद कुछ खाया और फिर सोने चले गए, लेकिन शायद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी तो सुबह के 3:22 पर उनका मुझे एक मैसेज आया, वो टीम की परफॉर्मेंस से बहुत दुखी थे। एक मिनट, अगर आपकी फ्लाइट 4 AM को लैंड की तो 3:22 में आपको आसमान में कहाँ से मैसेज आ गया? वो एक्चुअली हाँ वो टाइम शायद मैं आप सच में फ्लाइट में थी या आप झूठ बोल रही? मेघना कह रही है कि उसने 4 AM लैंड किया, पर ट्रैवल बुकिंग साइट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दिल्ली की सुबह 4 बजे की कोई फ्लाइट थी ही नहीं। हाँ हाँ मैं यही थी, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। फ्रेंड? आर यू सीरियस मिसेस शर्मा? ओह कम ऑन जैकेट, अब क्या फर्क पड़ता है। हाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। राजीव और मेरे बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इनफैक्ट राजीव को भी मेरे इस अफेयर के बारे में मालूम था। मैं तो उन्हें तलाक के पेपर्स भी भेजने वाली थी, बस इस टूर्नामेंट के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वैसे भी मैं तो होटल में नहीं थी, मौत से कुछ देर पहले ही विक्की अंजू और सुखी तुम तीनों ही थर्ड फ्लोर की लॉबी में एंटर हुए थे।
लिफ्ट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सब बहुत अच्छी से कैद है। हाँ, मेरा और विक्की का तो रूम था ना थर्ड फ्लोर पे, हम तो अपने रूम में जा रहे थे। मगर अंजुम, तुम वहाँ क्या कर रही थी इतनी रात को? मुझे तो सर ने बुलाया था, होटल के लैंडलाइन से मुझे उनका फोन आया था। एक मिनट, आते वक्त अंजुम के गले पर स्कार्फ था पर जाते वक्त स्कार्फ नहीं था। और रिपोर्ट में राजीव की डेथ ऐसी किसी चीज के स्ट्रैंगुलेशन के कारण बताई गई। मैंने कुछ नहीं किया है, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया है सर। उस दिन इतने ज्यादा सैड थे, ही वाज स्टार्ट क्राइंग। मैंने सच में कुछ नहीं किया है, और मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? क्या लगता है सर, ये अंजुम क्लियर हो सकती है क्या? नहीं सर, अंजुम क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि सीसीटीवी के हिसाब से अंजुम ने 3:05 पर होटल छोड़ दिया था और राजीव ने लास्ट मैसेज किया 3:22 पर, यानी कि वो तब तक जिंदा था सर। तो नहीं। गुड। राजीव सर जैसे फिट और एथलीट आदमी को मारने की कोशिश करोगे तो उन्होंने भी तो थोड़ी फाइट बैक की होगी ना? हाँ हाँ, मैंने बताया ना, राजीव के पीठ पर चोट का निशान था। वो पीठ की चोट उस रात की नहीं है, दरअसल हम जब मैच हार गए थे तो शाम को पीठ पे चोट और रात को गला दबाया, गेम ओवर। क्यों विक्की भाई? और वैसे भी राजीव सर को विक्की के मैच फिक्सिंग पे शक तो था। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि ये साला हाई फिक्सर, मैं बता रहा हूँ इसी ने मारा सर को। अरे मैंने नहीं मारा यार सर को। हाँ मैंने पैसे लिए थे मैंने पैसे, और हमारा झगड़ा भी हुआ था। वैसे भी मैं क्या करता, पापा ने इतनी मेहनत करके मेरी ट्रेनिंग पर खर्चा किया था, और अब सब क्रिकेटर की क्या कमाई होती जब तक हम ये आईपीएल या रेलवे तक नहीं पहुंच जाते। और ये बहुत बड़ा मैच था, मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने पैसे लिए। बट आई स्वेयर मैंने नहीं मारा राजीव सर को। और रही बात फिक्सर की, तो फिक्सर के बारे में मैं बता दूंगा पुलिस वालों को। समर। यस सर। विक्की को कस्टडी मिलो। लेकिन सर, टीम मैनेजर राजीव की मौत मर्डर नहीं, सुसाइड थी। लेकिन कैसे? अगर किसी ने राजीव को पीछे से स्कार्फ से गला घोंटा होता तो ये नॉट कहां होता? कहां? पीछे होता। और अगर राजीव ने खुद अपना गला घोंटा होता तो नॉट कहां होता? आगे होता। राजीव ने अपने आप को मारा है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और इट इज ट्रू। मुझे उसके कमरे से
कचरे के डिब्बे में ये सुसाइड नोट भी मिला है। लेकिन सर, अगर ये सोसाइटी, तो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं सर? मेरी क्या गलती है इसमें? मैं जानता हूं तुमने उसे नहीं मारा है, लेकिन फिक्सिंग रैकेट में इन्वॉल्व तो थे ना। सॉरी एवरीवन, इस फिक्सिंग रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए, उसका भांडा फोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। चल चल। स्ट्रेस और डिप्रेशन इंसान पर इस हद तक हावी हो जाते हैं कि वो उसके दिलो दिमाग को सुसाइड तक पर मजबूर कर देते हैं। न जाने क्यों इंसान एक मैच या एक एग्जाम से हार मानकर जिंदगी से हार मान जाते हैं। वो इस मुश्किल घड़ी में ये क्यों भूल जाते हैं कि हार के बिना जीत का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एकदम अधूरी है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर कोऑपरेशन। आप लोग जा सकते हैं। दीदी, रॉकी के साथ सबसे पहले मेरा टर्न था। मेरे बाद तो तेरा टर्न था ना काजल, और तू तो बहुत जल्दी आ गई थी वापस। तूने बदला लेने के लिए रॉकी को तो नहीं मारा? सेक्स, ये ड्रग, ये सब करके अब हमें फंसाना चाहते हो? तुमने अपने हाई स्टैंडर्ड तरीके से उसका मर्डर कर दिया। जस्ट शट अप डैमिट। तुम तीनों में से किसी ने उसका मर्डर किया है? देखते हैं इन हसीन चेहरों के पीछे क्रिमिनल माइंड किसका है।